नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जिलाधिकारी ने सोसैया डेली कैडेट आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण कर बीमार बच्चों का जाना हाल। वहीं आपको बता दें, चिकित्सकों को दिए निर्देश, मरीजों का निरंतर परीक्षण कर उनके स्वास्थ्य पर रखे पैनी नजर। जहां कहा, ब्लड के अभाव में कोई घटना न होने पाए, घटित ब्लड की नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने गुरुवार को सौसैया व डेलीगेटेड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती डेंगू वायरल बुखार पीड़ित बच्चों का हाल जाना। उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल के गुप्ता व डॉक्टर आलो को निर्देशित किया, बच्चों को बेहतर उपचार देना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने प्रिंस पुत्र सतीश निवासी झील की पुलिया, आर्यन पुत्र वीना यादव निवासी आसफाबाद, शिवानी पुत्री सुमन निवासी हिमायूपुर, अभिजीत पुत्र सुनील कुमार निवासी हिमायूपुर, शिवानी पुत्री कपूर चंद्र निवासी पहाड़पुर से सीधी बात कर उनके चल रहे उपचार की समस्त रिपोर्ट व दवाओं के बारे में जाना। उन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों को दिए जा रहे खाने के बारे में भी जाना और मौके पर प्राचार्य डॉक्टर संगीता नेजा को निर्देशित किया कि सभी मरीजों को खाना अच्छी गुणवत्ता के साथ थाली में ही दिया जाए। उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज व बाल रोग विशेषज्ञ को कड़े निर्देश दिए कि मरीजों को ब्लड के अभाव में कोई घटना घटित ना हो पाए, ब्लड की कोई कमी नहीं है, इसके लिए ब्लड डोनेट कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किस बेड पर कौन सा मरीज है उसको भी सूचीबद्ध किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्राचार्य डॉक्टर संगीता नेजा व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल के गुप्ता एवं डॉक्टर आलोक को निर्देशित किया कि वह वार्डों में भर्ती मरीजों का सघन निरीक्षण करते रहें। उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही परिलक्षित होने पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। डोनेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर ये हम लोग कुछ दिन लगातार इस चीज़ को कर लेंगे तो प्लेटलेट्स की कमी या उस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगरा से भी प्लेटलेट्स जो है वो मंगवाई जा रही हैं और जिस तरीके से कुछ मोहल्लों में या कुछ वार्ड्स में फैला हुआ है वहाँ पे भी सफाई व्यवस्था चल रही है। पानी की निकासी से लेके फॉगिंग वो चीज़ के लिए भी नगर निगम को बताया गया है। मेरे द्वारा आज सुबह जलकल विभाग और नगर निगम का वो चेकिंग भी किया गया, उसमें कितनी फॉगिंग मशीन चल रही है वो सब उनको बताया गया। कुछ फॉगिंग मशीन उनकी अभी अधूरी रखी थी जो फील्ड में नहीं भेजी गई थी, उनको बताया गया कि सुबह शाम दोनों टाइम जो उनकी 19 मशीनें हैं वो उसी दोनों मशीनों को सुबह शाम निकाला जाए, किसी भी तरह का उसमें लापरवाही ना हो। कितने बच्चे एडमिट हैं जी? अभी 230 के आसपास बच्चे एडमिट हैं और सुबह से 37 डिस्चार्ज हो चुके हैं और लगभग 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेटलेट लेवल थोड़ा कम है, उसमें संबंध में उनको लगातार अभी प्लेटलेट चढ़ाए जा रहे हैं।